परम अवतार श्री कृष्ण। आज मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे तू कुछ भी कहे। मैया, यदि दोबारा तूने देवकी के बारे में सोचने की भूल की तो समझ गई कि पहले पूतना का रूप, फिर वो चाहे उसकी मुक्ति हो या मृत्यु। काना, हमने बछड़ों के भाग का बहुत सा माखन खाया है, अब समय आ गया है बछड़ों को उनका अधिकार दिलाने का। तो चलो गोपेश्वर गुफा की ओर। तुम्हारी ये योजना इन सभी ग्वाल बालकों की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले हफ्ते परम अवतार श्री कृष्ण में देखिए। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। देखना ना भूलिए परम अवतार श्री कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30। मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कौन हो? ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी। भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। पूतना अपना कर्म कर रही, क्योंकि यदि वह इस बार भी असफल हुई तो कंस अवश्य उसकी हत्या कर देगा। कंस अपना कर्म कर रहा क्योंकि वह जानता है यदि माता देवकी का 8वां पुत्र जीवित रह गया तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और कान्हा, कान्हा अपना कर्म कर रहे हैं देवी, क्योंकि उनके अवतार का एक उद्देश्य अत्याचारी कंस का अंत करना भी है। देव, जीवन माया और कर्म के बीच की एक कड़ी है। जो कोई भी माया की इस कड़ी को अपने कर्म से तोड़ता है, अंत में जीत उसी की होती है। बस एक कड़छी खीर और तुम सबकी हंसी बन जाएगी मृत्यु गंभीर। मुझे पुकार रही है। कान्हा की बात कभी हो सकते है? हो ही नहीं सकती। कान्हा ने कहा की पुकार रही है, तो गैयों को तुम्हारा नाम पुकारना ही होगा। गैया सिर्फ धामा को ही नहीं, तुम सबको पुकार रही है। तो हमारा नाम क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है कान्हा? क्योंकि तुम्हारा नाम गैया पहले ही पुकार चुकी है। जाओ जाओ, शीघ्रता करो, जब तक तुम लोग नहीं जाओगे तो गैया शांत नहीं होंगी।
बताओ आप लोग खड़े क्यों हैं? यदि गैया शांत नहीं होंगी तो सारे गोकुलवासी अशांत जाएंगे। कान्हा, तुम केवल हमें ही क्यों भेज रहे हो? तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ? ठीक है दाऊ, मैं ही चला जाता हूँ। किंतु दाऊ, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से गैयों को कैसे संभालूंगा? मुझे क्या, मैया पूछेगी मैं बता दूंगा कि मुझे दाऊ ने भेजा है। ठहरो कान्हा। नारायण नारायण। प्रभु, जिसके दर्शन के लिए युगो युगो से ऋषि मुनि कठिन तपस्या और साधना करते, आज उस परम अवतार से उनके सखाई रूठ गए। नंदलाल ने तो विषैली खीर खाकर उनके जीवन की रक्षा की, किंतु श्री कृष्ण के इस परोपकार को ना तो संसार देख पा रहा है और ना ही उनके सखा समझ पा रहे। ये कैसे विडंबना है प्रभु? देव ऋषि, ये कोई विडंबना नहीं अपितु संसार का सत्य है। सच्चे मनुष्यों द्वारा किए गए कर्मों को ये संसार सदैव ही देर से देखता और समझता है, क्योंकि लोगों के भीतर निष्काम कर्म की भावना समाप्त होती जा रही, इसलिए वह दूसरों द्वारा किए गए सत्कर्मों पर भी संदेह करते हैं। इसी कारण मनुष्यों के बीच प्रेम और सद्भावना के धागे टूटते जा रहे हैं। संसार और आपसी संबंधों से संदेह रूपी इसी विष को दूर करने के लिए कान्हा का अवतार हुआ। किंतु प्रभु, कालकूट का विष जो कान्हा ने ग्रहण किया है, उसका उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? देवी, इस संसार में ना तो कोई विष है और ना ही कोई अमृत अपितु। प्रजा चोर नहीं होती सेनापति, विवश होती। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही गोकुल के कारण उनका ये अकाल समाप्त हो जाएगा। कृष्णा, बहुत आंख मिचोली खेली तूने पूतना के साथ। अब आ रही हूं मैं तेरे सारे खेलों पर विराम लगाने के लिए। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। चॉइस किसकी है? यस, तुम्हारी। अलका वो लो ना। ओह नो, माय ड्रेस। आग बंद करके काम करती हूँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें, साफ कर। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मेरे पास ना बहुत ही अमेजिंग स्लीपिंग पिल्स है, ट्राई करके देखो, मेरी मेरी आजमाई भी है। ओके, बट तुमने आजमाई किस पर है? अभी आई एम फेड अप ऑफ यू। ओके, मैं एक्चुअली कोई तुमको कुछ नहीं समझा सकता। अब मुझे भी तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती हो, फालतू की तरह बातें करती रहती हो, क्या मजा आ गई? मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझ में आई? अभी मीरा, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम दोनों झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? नहीं नहीं, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता यार। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी,
हम ना कुछ ज्यादा ही समझदार है, बिना मतलब लड़ाई करते ही नहीं है। अरे एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, इतना स्पेस देते तो लड़ाई कब करेंगे। वो क्या है ना अप्पू सिंह जी, मैं इस गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता हूँ। आप चिंता ना करो, आप तो बस आदेश करो हमें का कन्या ससुर कहो को बोलते साहब। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। यार अनु ये क्या नाटक है यार? तुम किस अनु और अंगूरी की बात कर रहे हो? हम तो आत्मा है। भगवान जो मैं कहा सू कई जालिम सिंह ने मन कितना आपको नहीं कर लिया। बड़ों में तारे को पंजाब लाई सू तीज मनाने। ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी एवे चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियाल भी। पंडित जी ने भी बताया तेरी कुंडली में घना ही बड़ा दोष है, और तू तीज का तारा सीधे सीधे नहीं देख सकती। देवी संतोषी अपने ज्ञान और संतोष को अग्नि के लपटों में भस्म करने के लिए तैयार हो जाए। साध्वी जी, तुम्हारी मृत्यु का समय हमने तय किया है, और वो उसी समय होगी जब हम चाहेंगे। राज, तुम मुझे मेला नहीं दिखाओगे? प्रीत की पहली तीज है ना आज, तो राज अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा। पल भर की खुशी है तेरी ये प्रीत,